great loot. It's about people's hard-earned money being stolen. It's a story of institutional corruption. And it's a story from Pakistan. Who is stealing there, you ask? Anyone and everyone in power. The establishment, the government, even the... As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, iqbaluhu, damuhu. ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। उससे पहले कुछ ये बात कि ये हमारे जो हर दिल अजीज बाजवा साहब है ना, उनकी मशहूरी दुनिया में हो रही है। वक्तन वक्तन आपको बताया जाएगा किन किन मुल्कों में किस किस तरह की मशहूरी माशाल्लाह हो रही है। ना मुल्क में बाहर निकल सकते तो ना बैरून मुल्क बाहर निकल सकते। एक और बात करनी थी, वो पिछले दिनों को मैंने बात की थी तो सरफराज बुगटी साहब ने उस बाग जो सरफराज बुगटी साहब वो ट्राइब तो एक है लेकिन इसका वो ब्रामदाग बुगटी के साथ कोई लिंक नहीं, ट्राइब एक है, अच्छा रिश्तेदारी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि एक तो ये बात कही कि मैं अकलीतों के हकूक के तहफ़ की ज़मानत में आपको देता हूँ। बड़वे तू क्या ज़मानत देगा, तेरे तो निगरानी में सब कुछ हो रहा। फिर उन्होंने पर्टिकुलरली जो कादियानी में ये तोड़ी जा रही बिल्डिंग है उनके ऊपर, फिर जो जड़ा वाला में हुआ उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, लेकिन वो क्योंकि ऊपर से दबाव आया हुआ तो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे। चलो जी ये भी ठीक है जी। दूसरी एक बात चल रही कि इन्होंने खुद ही चला दी कि खान को दिल का दौरा पड़ा, वो नदीम अंजम के मेजर जनरल ने कराई भी था कि वो अपनी अपनी ग्राउंडें लगे हुए ना, सारे जो 278 मेजर जनरल हैं वो एक ही काम पे लगे हुए हैं कि इसका कलाकमा करें, अपना रास्ता साफ करें। आधे बंदे लगे हुए कि इमरान खान का कलाकमा करें, आधे बंदे लगे हुए कि हम अपने इसको तूल दें इक्तदार को तो उसको दवाम बख्शें, उसका लिए रास्ते बनाएं। तो उसमें से एक मेजर जनरल जो इमरान खान को दिल का दौरा पड़ा जी, उसको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा। फिर उसको कहेंगे ना चल तुझे दिल का दौरा पड़ रहा, तुझे दिल की तकलीफ है, चल तो मुल्क से बाहर चला जा। वो फिर उसको जाके बताएंगे हमने तेरी ग्राउंड बना दी है, बस तू निकलन दिखा। वो कह रहा मैं ना जाता, उसने असल में ठान ली है, उसने ठान ली बाद उलमा कराम, मैं नहीं, मैं ना उलमा थे ना आओ एल वाला माँ। कहा है कि जिसको पता लगे कि सामने मौत है उसके बावजूद वो लगा रहे थे ये खुदकुशी में आता है, इन्होंने खान का जनाजा भी नहीं पढ़ना। आप समझने वाले समझ गए होंगे, उसको पता है आगे मौत ही मौत है तो ये फिर भी लगा हुआ है वगैरह वगैरह। फिर बाज उलमा मसाले देते हैं कि जब ऐसे जानकनी की आलम हो गई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छोड़ दिया था अपना शहर, जब हज़रत अली को कंबल उड़ा के चले गए थे। अच्छा जी वो भी डॉक्टर, वो बहुत कम खबरें आ रही, डॉक्टर कह रहा हूँ वो वाला क्या नाम था उसका, तारिक जमील, वो रेगुलर जा रहे हैं वो इस तरह के जाके मसाले देंगे ना। इसको मेरे का यहीं पे क्लोज कर लें। डॉक्टर अलवी वो जब मैं वही हाथ की बिल्यू फिल्में वो पहुंच गई थी उस वक्त 2019 में, तो फिर ये कि इसकी क्या जरूरत कुछ करता, वो इसके क्लिनिक पे आती थी ना कि पीछे ले जाता था आओ, तो फिर वो इस तरह का पता ही था ना मैं क्या करूं। बरल मैंने तो कभी अलवी की तरीफ नहीं की, उसकी बहन ने आके खान की बहन ने कह दिया उससे बड़ा नाला है तो ये वो, तो जब रखेगा ऐसे शराबी कबाबी जानी अपने साथ रखेगा तो फिर ऐसा ही होना था ना, जब अपने धागा बांध लिया था तो फिर तो वो बंदे लाता जिनके ये जती सती थे मेरे नाल दे। अच्छा जी बात करते अब के, क्योंकि टाइम 10 के दम के अंदर अंदर पूरी करनी होती है, बात ये करनी ही के अपने मोहतरमल मकाम सफाई चीफ साहब नदीम अंजम साहब लाहौर गए, नाम ले रहा हूँ पूरे पार्क के साथ, जरा मेजर जनरल मेरे पीछे लगा ना तो नाल निक्की लैके आवे बड़े शौक नाल, आहो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी वो लाहौर गए, कहाँ पे ठहरे जी, चीफ जस्टिस
पंजाब हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के घर में ठहरे। उन्होंने किसको वहां पे बुलाया, तो भट्टी साहब उधर ही थे, शुजा शहजाद मलक जो दूरपुरे का रामी पिल्ला है, अबासी का बासी गया वहां लंदन में, उत्ते अपनी भैन लैके गया कि ए बच्चा कर दियो। बगैरा तरीन ही बंदा है ना, कभी क्या जिस बंदे को अपनी क्या विल के ऊपर ही ना कंट्रोल हो तो क्या करे। फिर ताजी वहां मुलाकात में शुजात अली, जस्टिस शुजात अली खान, अच्छा जी। फिर था वहां पे शाहिद बिलाल, अच्छा जी। फिर वहां पे था मिस आलिया नीलम, आलिया मुनीर याद आ जाती हमसे की, हमने नहीं मंचे की, मंचे वाली आ जाती है मियाँ मंचे वाली, कहते डीएनए में कराओ ऐसा तो पहले कि मैंने मरवा दे। अच्छा जी, इन्होंने वहां पे शहबाज शरीफ ने हाथ काट के दिए हुए कि कोई भी प्रमोशन डिमोशन होएगी तो आईएसआई की क्लियरेंस होएगी तो वो इंटरव्यू करेंगे, वो रिपोर्टें देंगे, वो वगैरह वगैरह, ये करके वो ऑलरेडी कर दिया। ऐसा उनको चाहिए, जो फिर नवाज शरीफ बड़ा नाराज है, आते ही नवाज शरीफ आ जाए, मेरी ख्वाहिश है कि आ जाए, इमरान खान तो उन्होंने आने नहीं देना, नवाज शरीफ आ जाए, फिर उसको पता लगे कि किस तरह फिर तूने जो है ना वो क्या 9 अप्रैल 2022 का ऑपरेशन करवाया था। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं, इनसे दो टॉपिक पे बात हुई, एक तो इंटरव्यू है सुप्रीम कोर्ट में, जगह खाली दो जाने।